इस बीच खबर आ रही है फलौदी से, जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने गुरुवार को जिले के पंचायत समिति लोहावट के ग्राम पंचायत छीला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिला कलेक्टर हरजी लाल अटल की उपस्थिति में उन्होंने शिविर में संचालित सभी विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आमजन को अधिक से अधिक योजनाओं की जानकारी देकर उन तक लाभ पहुंचाना एवं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। कैबिनेट मंत्री खेवसर ने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अपनी प्राथमिकता एवं आमजन के स्वास्थ्य से जुड़ा विभाग होने के नाते विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने एवं प्रत्येक नागरिक के आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से स्वस्थ राजस्थान बनाने का अपना विजन प्रस्तुत किया है। इससे पूर्व खेवसर ने उपखंड बापड़ी के ग्राम पंचायत निम्बो का तालाब में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों के लिए नैनो यूरिया छिड़काव के ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा। जिला कलेक्टर हरजी लाल अटल ने अपने संबोधन में कहा कि शिविरों को वास्तविक उद्देश्य वांछितों को लाभान्वित करना है, ना कि केवल कागजी हो। उन्होंने सभी संबंधित को भारत एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी पात्र वंचित तथा पहुंचाने एवं उन्हें लाभान्वित करना होना चाहिए। जिला कलेक्टर अटल ने उपखंड अधिकारी व विकास अधिकारी को शिविर में संबंधित विभागों के समन्वयन कर रिकॉर्ड साधारण लिस्टिंग करना एवं लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ प्रति फॉलोअप लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि ओम प्रकाश मनोहर लाल पालीवाल, जिला परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल सिंह पौचलिया, लोहावट उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार, बहुसंकल्प लाभार्थी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।